नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द रेल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे चैनल पर एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इससे पहले मेरे चैनल पर 3 प्रैक्टिस सेट डाला जा चुका है और ये 4th प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 4th प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए। इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया जो है यहाँ पर पहला तैरता हुआ शहर स्थापित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो सियोल है। अगला क्वेश्चन, मरियम वेस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो मरियम वेस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। जबकि दोस्तों, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जाए कि 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वो वैक्स को चुना गया है। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। जो नागालैंड है, ये आपको मालूम होगा कि 7 सिस्टर का एक स्टेट है और यहाँ के जो सीएम हैं वो नेफ्यू रियो हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? दोस्तों, अभी जो सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो तेलंगाना सरकार का चुनाव जो आयोग है, ये तेलंगाना में पहली बार ई वोटिंग समाधान द्वारा वोटिंग कराया गया। यहाँ के जो सीएम हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो तमिल साई सौंदराजन हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत में जो पहला मानव युक्त महासागर मिशन शुरुआत की, उसका नाम समुद्रयान है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो भुखमरी सूचकांक है, इसमें 101वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। जबकि टोटल इसमें जो देश थे वो 116 देशों में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, जबकि 2020 में जो भारत है वो 94वें स्थान पर था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2021 में इसका स्थान और ख़राब हुआ है। जबकि ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में जारी होता है, तो अभी 2022 का जारी नहीं हुआ है, अब अक्टूबर में जारी होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 2021 का जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार है, ये 3 लोगों को दिया गया था, जो नाम है डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्टर और गुइडो इम्बेस्ट। दोस्तों, ये 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि शांति के क्षेत्र में दमित्री माराटोआ को और मारिया रेशा को, ये दोनों लोगों को शांति के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक कौन है? तो राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक रॉस्किन बॉन्ड हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा मरुसूदन नदी। ये जो मरुसूदन नदी है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई? तो मुफ्त शिक्षा योजना की जो शुरुआत है ये हरियाणा सरकार द्वारा की गई, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो ये मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो इसका सही आंसर राहुल द्रविड़। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष के अगले मुख्य कोच जो हैं ये राहुल द्रविड़ होंगे। 2022 का अंडर 19 विश्व कप जो है, क्रिकेट विश्व कप, ये भारत ने जीता और ये इंग्लैंड को हरा कर जीता। दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं एडिशनल फैक्ट बताता हूँ उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया? तो आप सभी को मालूम होगा, आप लोग भी यूज करते ही होंगे, कि जो फेसबुक है इसका नाम मेटा कर दिया गया है। और फेसबुक का स्थापना जो हुआ था दोस्तों 2004 में हुआ था, और फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग, एंड्रू मैकलम एंड और एड्यू सॉन हैं। अगला क्वेश्चन, फिक्की के नए महानिर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों फिक्की के जो नए महानिर्देशक हैं ये अरुण चावला को नियुक्त किया गया है, और जो फिक्की का फुल फॉर्म होता है ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम किस देश ने लॉन्च किया? दोस्तों विश्व का पहला पृथ्वी उपग्रह जो है ये गुआंगुम, जो नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीन का, चीन द्वारा लॉन्च किया गया चीन का उपग्रह है। दोस्तों चीन की राजधानी जो है ये बीजिंग है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं। अगला क्वेश्चन, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए जो भारत का कौन सा जहाज था जो पिट्सबर्ग गया था? तो आईएनएस तबर, जो आईएनएस तबर है ये सेंट पीटर गया था रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आशीष सीए घोकर को बनाया है। जो भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का जो अध्यक्ष है वो आशीष सीओ घोकर को बनाया है। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ की वायुवृद्ध माउंट कौर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित थे, माउंट कौर जो थे वो एथलेटिक्स से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना प्रोजेक्टर सी वर्ल्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रही है? दोस्तों सबसे पहले आपको ये प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना होगा, सी वर्ल्ड। तो सी वर्ल्ड के तहत जो एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा है वो करवार, करवार जो कर्नाटक में स्थित है यहाँ बन रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर 2021 में जो था वो दीपक दास को बनाया गया था, जबकि वर्तमान टाइम में 2022 में सोनाली सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में विष्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो 2021 में जो 72वें गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस पे उत्तर प्रदेश को विष्ट झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
जबकि 2022 में भी यूपी का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है इसको वेस्ट झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो इसका सही आंसर, ये जो चिनाव नदी है इस पर 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण की जा रही है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों अभी हाल ही में जो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, तो ये सहकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं ये अभी वर्तमान टाइम में अमित शाह हैं। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो जो विदेश मंत्री, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले जो विदेश मंत्री आपके कौन हैं अपने भारत के, तो एस जयशंकर हैं। और ये जुलाई माह में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा का अनावरण किए वो जॉर्जिया में किए हैं, और जॉर्जिया की राजधानी जो है दोस्तों ये तिबलिसी है, और मुद्रा जो है लारी है। अगला क्वेश्चन, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जब भी किसी देश की जो पहली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी पहला जो बनता है वो फेमस हो जाता है दोस्तों, वो भी महिला में, तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी है वो काजा कलास बनी है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? तो 2020 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए टोकरी में दिगंत थेरी गथा, इसके लिए अनामिका को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला, जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए 2020 का ही ये अंद्रुति सुब्रमण्यम को दिया गया था, और वो बुक का नाम था व्हेन गॉड इज ए ट्रैकलर। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकंड युद्ध अभ्यास किया? दोस्तों जो दस्तलिक युद्ध अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत का स्थान है ये 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, और जबकि 2022 में भी भारत का जो स्थान है 135वां ही प्राप्त हुआ है। अगर देखा जाए कि 2021 में सबसे लास्ट में कौन सा देश था, तो अफगानिस्तान था, और जो सबसे फर्स्ट पर देश था वो आइसलैंड था। वैश्विक शांति सूचकांक जो जारी होता है ये टोटल 163 देशों में जारी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पुत कौन है? जो भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पुत है इसका नाम है INS ध्रुव। अगला क्वेश्चन, भूवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश द्वारा। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो CM है वो शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं।
अगला क्वेश्चन, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? दोस्तों, अभी आपको मालूम होगा कि जो गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा था, उसमें जो संतोष बाबू थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगर दोस्तों सेना में जो दिया जाने वाला जो पुरस्कार होता है, तो इसमें तीन महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं। पहला होता है परमवीर चक्र, दूसरा होता है महावीर चक्र, और तीसरा होता है वीर चक्र। और जो गलवान घाटी में ऑपरेशन चलाया गया था वो स्नो लेपर्ड ऑपरेशन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। जो सिक्किम है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया था। दोस्तों, सिक्किम के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, ये प्रेम सिंह तमांग हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गंगा प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बनी? दोस्तों, ये उत्तराखंड में एक परंपरा सी हो गई है कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है उस दिन एक दिन के लिए एक बालिका को सीएम बनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर 2021 में जो सृष्टि गोस्वामी थी, इनको एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो होता है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गुरमीत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? दोस्तों, जो G20 शिखर सम्मेलन 2021 है, उसमें भारत के तरफ से पीयूष गोयल जो होंगे ये शेरपा होंगे। और जबकि G20 2022 जो है ये इंडोनेशिया में होगा, और 2023 जो है ये सम्मेलन ये भारत में होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किट 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो दोस्तों, नीट जो होता है ये एक तरह से मेडिकल के क्षेत्र में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इसमें पहले से 11 भाषाएं शामिल था, अब इसमें दो और भाषाएं शामिल कर लिया गया है जो कि पंजाबी और मलयालम हैं। तो ये अब टोटल 13 भाषाएं हो गया है नीट के एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, नीट का जो फुल फॉर्म होता है ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीखोल और पादूर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत जो सुविधाओं की मंजूरी दी है, ये चंडीखोल और पादूर है। तो इस तरह से इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जो है ये पी साईनाथ को प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये पी साईनाथ जो है ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, केन्या में आयोजित
अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने भारत ने कुल कितने पदक जीते? जो केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसमें भारत ने कुल 3 पदक जीते। दोस्तों अभी जो 2022 का भी ये एथलेटिक चल रहा है, जिसमें 1 अगस्त से 6 अगस्त 2022 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के तहत जो बिहार है, इसको मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। जो चीन है, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। जबकि WHO का जो मुख्यालय है, ये जिनेवा में स्थित है, और इसके जो प्रमुख है, ये टेड्रोस अडहनॉम है। दोस्तों WHO में कुल 194 देश शामिल हैं, और जो इसका स्थापना हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ये 2021 में 3 लोगों को दिया गया, जो कि जियोर्जियो पेरिसी, अस्युको मनावे और कॉलुस हेसलमैन, इन तीनों लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और जो एड्रेम पोटोपोटियन और डेविड जूलियस जो हैं, इनको मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उभरने के लिए कितना राशि की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा $500 मिलियन। जो विश्व बैंक है, उसने कोविड-19 महामारी में भारत को $500 मिलियन की सहायता प्रदान की थी। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये Washington DC में स्थित है, अमेरिका में। और इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1944 में हुआ था। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में डेविड मलपास हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो जो रक्षा मंत्रालय है, वो अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 यानी कि सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया, तो ये जो शहर है, ये उड़ीसा का पुरी है। यहाँ जो है सप्ताह में जो 7 दिन 24 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? जो अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स है, इसने टोटल 143 उपग्रहों को एक साथ भेजकर ये रिकॉर्ड बनाया था, जबकि भारत के पास 104 उपग्रह भेजकर इसरो ने रिकॉर्ड अपना बनाया था। ये जो जिस रॉकेट से भेजा गया था, उसका PSLV C-37 था।
दोस्तों जो स्पेस एक्स है इसके जो संस्थापक हैं और जो मालिक हैं एलन मस्क हैं, और इसकी स्थापना जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। इसका मुख्यालय यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो कोविड-19 के खिलाफ जो 100% मतलब पूर्ण रूप से टीकाकरण करने वाला पहला जो गांव है वो वियान गांव जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो कोई भी नया फसल लगाया जाता है तो उससे पहले साल में एक बार हरेला उत्सव मनाया जाता है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ गया है कि हरेला उत्सव ये कहाँ का त्यौहार है, तो ये उत्तराखंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के 600,000 गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका सही आंसर 2024। जो 2024 है भारत के 600,000 गांवों को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क इसकी जो क्षमता है 4,750 मेगावाट कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर ये गुजरात में बनाया जाएगा। और गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये कच्छ में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो 2023 है इसको मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 2022 को सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान ये इसका मोटो है। तो इस तरह से दोस्तों सेट 4 समाप्त होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हम मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।